क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, कैसे और क्या काम करता है ये बोर्ड, क्यों कर रहा है यूसीसी का विरोध। देश में इन दिनों हर तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चल रही है, बल्कि यूसीसी का कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन। और यूसीसी का विरोध करने वालों में सबसे ऊपर नाम जिसका है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरुआत से ही यूसीसी का विरोध कर रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या और इसका इतिहास क्या है। क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1973 को हुई थी। ये बोर्ड ऐसे समय में बनाया गया था जब सरकार समांतर कानून के जरिए भारतीय मुसलमानों पर लागू होने वाले शरिया कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तब दत्तक ग्रहण विधेयक संसद में पेश किया गया था। तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री एचआर गोखले ने विधेयक को यूसीसी की दिशा में पहला कदम बताया था, जब उलेमा नेताओं और कई मुस्लिम संगठनों ने भारतीय मुस्लिम समुदाय को समझाया कि इससे शरिया कानूनों के खोने का जोखिम है। साथ ही कहा था कि इसे नाकाम करने के लिए मुस्लिम समुदाय को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहली बार एक मंच पर कब आया मुस्लिम समुदाय? खिलाफत आंदोलन के बाद देश के इतिहास में पहली बार भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग और संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए थे। इसके लिए पहली बैठक हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी, अमीर शरीयत बिहार और ओडिशा और हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब दारुल उलूम देवबंद की पहल पर देवबंद में बुलाई गई थी। बैठक में मुंबई में एक सामान्य प्रतिनिधि सम्मेलन करने का फैसला हुआ। मुंबई में ही 27 और 28 दिसंबर 1972 को एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में सभी की सहमति से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया गया था। कैसा है AIMPLB का स्ट्रक्चर? भारत में इस्लामी शरीयत की रक्षा के लिए इस कानून का नेतृत्व करने वाले हजरत मौलाना कारी तैयब कासमी AIMPLB के संस्थापक अध्यक्ष और हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी महासचिव बनाए गए। इस समय बोर्ड के महासचिव मौलाना सैयद निजामुद्दीन हैं। वहीं बोर्ड के सबसे पहले अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद तैयब थे। आपको बता दें बोर्ड में 251 सदस्य हैं, इसके 102 संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही 149 आम सदस्य हैं। सदस्यों को चुनने के लिए हर 3 साल बाद चुनाव भी होते हैं। बोर्ड में कौन होता है सबसे ताकतवर? AIMPLB में सबसे ताकतवर मजलिस ए आमला को माना जाता है। ज्यादातर अधिकार इसके हाथी में होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 51 है, इनमें 5 महिला और 46 पुरुष शामिल होते हैं। ये सदस्य भी बोर्ड के 251 सदस्यों में से चुने जाते हैं। इसे मुसलमानों का सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है। हमारी इस वीडियो के जरिए आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या और इसका इतिहास क्या रहा है। ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।